मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 भाई गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले वेलकम करता हूं हमारे हाउस ब्रांड को जिसमें मौजूद है फैसल, इमरान, यासिर और सोहेब। भाई लोग क्या हालचाल, सब ठीक ठाक मजे में? उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने ये चैनल लगा लिया होगा हमारे शो के लिए। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, जी हां मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिया दिलम जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई। बड़ी जैकेट पहनी आप? बस विंटर शुरू हो गया और बॉम्बर जैकेट जो है वो विंटर का बहुत बड़ा फैशन है जो कि सालों से चल रहा है, तो मैंने कहा चलो अब ये करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं हो रहा, काम हो रहा है और आजकल मैं लोगों के पीछे पड़ा हुआ। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक बड़े से रेस्टोरेंट में गया, वहाँ बहुत अमीर से लोग बैठे हुए थे। अच्छा, क्योंकि अमीर से लोग अलग से नजर भी आते हैं, तो वो सारे एक दूसरे के अंदर मुंह डाल के बैठे हुए थे। अच्छा, और बातें कर रहे थे कि यार जो सेकंड वेव है ना कोरोना की वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो मैंने 2 मिनट बर्दाश्त किया, फिर वो बोले, फिर तीसरी बारी में मैं उठ गया। अच्छा, मैंने कहा देखिए अगर इतनी खतरनाक है तो घर पे मरे ना जाके, इधर क्या कर रहे। तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। सही किया उन्होंने। हाँ, वो मैनेजर है, उसने कहा सर आप प्लीज आप बाहर जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है। हाँ, यहाँ पे अलाउड है क्योंकि जब आप अमीर हो जाते हैं तो कोई रूल नहीं होता ना, ट्रैफिक का भी रूल नहीं होता, पार्किंग का भी रूल नहीं होता, सब अलाउड है आपको। तो अलाउड है, अमीरों का अलाउड होता है। क्यों तुम इतनी जली कटी बातें करते हो, क्या मसला है तुम्हारा? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूं ना यार, जो गलत है वो तो अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कभी कभी सच आपको जो है वो परेशानी और मुश्किल में भी डाल देता है। हाँ, डाल देता है, जब डालेगा तब देखा जाएगा अल्लाह मियां है ना यार। ठीक है, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंतहाई सच्चे इंसान है। अच्छा, ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी और उनका उनके काम में उनकी ऑनेस्टी नजर आती है, और वो अपने अमीर लोगों की बात की वो अपने काम में बेहद अमीर है। मैं कहता हूँ मतलब अमीर कबीर है, मतलब इंसानियत जिंदा है। हाँ, क्योंकि वो राइटर भी हैं। अच्छा अच्छा, लिरिसिस्ट भी हैं और एक बहुत ही आला एक्टर भी हैं। वाह वाह, और हमारी खुशनसीबी है कि आज वो यहाँ पर आए, आज हमने थोड़ा सा शो को ट्विस्ट किया है। हाँ, वैसे क्योंकि हमें, मैंने नोट किया हमारे शो पे हमें कोई ज्यादा मुंह नहीं लगाता तो अच्छे लोग कम ही आते हैं, इसीलिए मैं चुन चुन के अच्छे लोग बुला रहा हूँ ताकि हमें लोग मुंह लगाते रहे, हमारा शो चलता रहे। बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मोहम्मद। मैं अच्छा हूँ, आधी की बातें सुनने के बाद मैंने सोचा कि अल्लाह रहम करे। सर ये रोजाना ऐसी बातें करता है, सच्ची सच्ची मैं इसको समझाता हूँ, लोगों को आदत नहीं है लेकिन ये नहीं मानता मेरी बात, मगर तुम बख्शे जाओगे इसी वजह से। ओ देखे आप, जबरदस्त। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं वैसे ही हूँ अभी तक। सर इतना अच्छा अच्छा काम आप करते हैं माशाल्लाह, मतलब एक सीरियल से दूसरा तीसरा चौथा, मतलब आप तो मतलब लाइन लगाई भी। बात यह है कि अच्छा मरते हैं। मैंने कहीं ये कमेंट पढ़ा था वाकई में कि ये साहब जो है वो हर उसमें इनके साथ ये क्यों जाता है, तो ये आप स्क्रिप्ट देख के लेते हैं कि मुझे मरना है इसमें या नहीं मरना? नहीं, मैं पहले पूछ लेता हूँ कि जी कौन सी किस्त में मरना है। कितनी जोर से मरना है और कितनी जोर से मरना है, अब असल में मरने के भी तरीके खत्म हो गए हैं। आजकल वो गौर कर रहे हैं कि अब कौन से नए तरीके से मरे सिवाय कोरोना के, उससे नहीं मैं मरना चाहता। बाकी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मुझे बताएं सर कि एक जब स्क्रिप्ट आती है और आपने इतना सारा काम किया है, अब वो स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से नहीं मिलती जो कि एक एक्टर को कहना यार कि दिल ललचाए यार ये तो मैंने करना है। देखो फैजान, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी नहीं करते काम इसी वजह से। सर देखिए सच बोलना है लेकिन हमने शो भी करना है। बस अब मुझे लग रहा है मेरा तो चलो आखिरी वक्त है, तुम्हारा तो शुरू हुआ है। नहीं सर, नहीं तो तुम अपने बारे में सोच लो, अगर इतना सच बोलोगे क्या बनेगा? जैसे इसने कहा कि भैया सच नहीं बोल सकते मगर ये कि अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। बेशक 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 बेशक। अच्छा आपने, आप लिखते भी हैं, तो जब आप खुद लिखते हैं तो जो चल रहा है उससे कितना मुख्तलिफ होता है और क्या कितना प्रेशर होता है आप लिखने का? नहीं, मैंने तो कोशिश
की थी कि जिस तरह का लिखा जा रहा है वैसा लिखूं, लेकिन मुझसे नीम हनूदा नहीं लिखा गया वाह, और खालिस उर्दू में चकफेरियां नहीं लिखा गया वाह वाह वाह, इसलिए मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। लेकिन तो फिर सर ये क्या मसला है, क्यों हमारा ड्रामा जो है वो हम कहते हैं डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, या हमारे पास अगर डाउनफॉल ना कहें तो स्टोरीज खत्म हो गई हैं, ऐसा क्यों है? स्टोरीज कैसे खत्म हो सकती हैं, जब तक आपके इंसान पैदा हो रहा है कहानियाँ पैदा हो रही हैं जी। बात यह है कि बनाने वाले वहाँ फंस गए हैं क्योंकि वो सेंसेशन बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बिकता भी है जी, बिल्कुल। इट्स एग्जैक्टली लाइक यू सेलिंग ड्रग्स, ठीक है। अगर आप ड्रग्स बेच रहे हैं आप तो अमीर हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप जब काम शुरू करते हैं, फैजान आपने भी सुना होगा कि हम यहाँ फन की खिदमत करने नहीं आए, हम पैसे कमाने आए हैं। दिस इज द बेसिक फर्स्ट सेंटेंस यू गेट टू हियर व्हेन यू अप्रोच अ चैनल फॉर किसी भी फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग। नहीं जी नहीं, हम यहाँ पे फन की खिदमत करने नहीं आए हैं, तो हम तो सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। तो पैसा कमाना तो बेटा ड्रग डीलिंग से बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो कर लें एक ही बात है ना, क्योंकि आप नस्ल तबाह कर रहे हैं, बिल्कुल। अब आप इस किस्म के ड्रामे दिखा के भी तो नस्ल को तबाह कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दोनों काम बराबर हैं। आप नशा बेच रहे हैं, आप सेंसेशन बेच रहे हैं, आप वल्गैरिटी बेच रहे हैं, बेहूदगी बेच रहे हैं, तो आप नस्ल को तबाह कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको बताएं कि यार उनका टेस्ट बदले, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, माइंडसेट आप खुद बनाते हैं, आपने बनाना है, मीडिया की जिम्मेदारी होती है। सर ये रुझान कब से आया आपको लगता है? पहले मैंने नोट किया कि जब पहले की स्टोरीज होती थी, ड्रामास होते थे, रुझान ये होता था कि इसमें कोई मैसेज हो, इससे कोई कुछ सीखे, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही आप अपनी जो सोसाइटी है उसमें कुछ आप दे सकें। लेकिन अब ये रुझान ख़त्म होता जा रहा है, अब यही बात होती है कि जी रेटिंग्स कितनी आएंगी, कास्ट किसको कर रहे हैं, किस चैनल पर जा रहा है, ये सारी बातें कब चेंज हुई आपको लगता है? मुझे लगता है कि जिस वक्त हम एक सीढ़ी नीचे उतरे थे, हमने उन लोगों से लिखवाना शुरू कर दिया जो आपको पता है पहले कहाँ लिखते थे, सही, ठीक है, या तो वो इवनिंग न्यूज़पेपर्स में लिखा करते थे या वो सस्ते डाइजेस्ट में लिखा करते थे, उनके हाथ में आ गया, सही। तो वहाँ से वो शुरू, क्योंकि वो सस्ते भी थे, बिल्कुल। तो आपको लगता है ये मैटर ज़्यादा करता है कि जी राइटर पैसे कितने ले रहा है? अगर वो कम पैसे ले रहा है, चाहे वो कुछ भी लिख रहा हो, ले लें, कसम खुदा की आजकल मैटर करता है। वो जो चीज़ आप 50,000 में लिखेंगे, वो खातून 5,000 में लिख दे देंगे, तो आप किससे लिखवाएंगे? वो जो 5,000 में आपकी सुन के लिख रही है, क्योंकि आपने तो यहाँ रखी हुई है, बेटा जो हम कह रहे हैं वो लिखो, तो वो तो बेचारी सुन के लिख देगी। मुझे तो ये भी लगता है कि जो राइटर 50,000 में लिखता है, वो 5,000 में लिखने वाली बात तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 पे महीना पे लिख रहे हैं, वो सब लिखे जा रहे हैं, वो इधर एक बेटी को चमाट मार रही है, इधर माँ मार रही है, इधर तेजाब बेक रही है, तो मुझे लगता है वो सब जो है तो वो राइटर और आर्टिस्ट एलिमेंट तो चला गया ना। सर कैसा लग रहा है आपको अपने जैसे लोगों में बैठ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे उसी वक्त अच्छा लग रहा था जब तुम लोग दोनों यहाँ पर, सबसे पहली चीज एक टैबू तोड़ दिया तुम लोग, एक डांस से शुरू करते हो जी सर, और वो इतना एनर्जेटिक होता है, इतना लाइवली होता है कि मैं वहाँ बैठते बैठते जो देख रहा था तो मुझे जोश आ रहा था कि यार दिस इज गोइंग टू बी गुड, ठीक है। तो एक टैबू तो तुमने वहीं तोड़ दिया जी, क्योंकि भाई रक्स करना तो बहुत बुरी बात है जी, जी, मगर गालियाँ देना जायज़ है, हाँ। रक्स करना बहुत बुरी बात है, मगर जलसे में कोरोना फैलाना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़, सही बात है। जिस तरह वेब सीरीज में गाली ना दिया तो गुनाह हो गया, एग्जैक्टली वाई, ये हमने सीख लिया कहीं से कि वेब सीरीज है तो गाली होना जरूरी, मगर बिकता है, बिकता है, बिल्कुल। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हाँ, बेचना इंपॉर्टेंट है, आप चाहे गाली दे के बेचें, कपड़े उतार के बेचें, इंसेस्ट में बेचें, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर पे बेचें, किसी चीज में, या सास जालिम दिखा दें, या ससुर जो है वो बेहुदा दिखा दें, बिकेगा, बिल्कुल। तो सर ये बेचना इतना इंपॉर्टेंट क्यों गया? ये आर्ट की खिदमत या आर्ट? आपने अपने बेटे को गाड़ी नहीं देनी है गिफ्ट में? ओ, ये वाला मसला भी हो गया। 6 करोड़ की गाड़ी देनी है आपने अपने बेटे को गिफ्ट में? अच्छा अच्छा, चाहे वो 14 साल का। तो ये इतने इतने नॉर्म्स हमारे ऊपर, इतने सोशल प्रेशर्स क्यों आ गए हैं? क्या क्या जरूरी है कि आप अपने बेटे को? देखो, पैसा तो हमेशा से चमकदार था ही ना, बिल्कुल था, और हमेशा जो हमारे यहाँ होता आया, पैसे की खातिर हम अखलाक, किरदार, ईमान सब बेच देते हैं, सही है, खत्म हो गई बात, उसके बाद क्या क्वेश्चन रह जाता है? बिल्कुल, मेरा भी दिल चाहता है कि यार मेरा भी घर 1,000 गज का हो और DHA के किसी बहुत ही आला पॉश इलाके में हो, अगर मुझसे कल कोई कहेगा यार ये हेरोइन की थैली है पहुंचा दे यार, हो सकता है मेरा ईमान भी गड़बड़ा जाए, तो आई डोंट ब्लेम द पीपल, एक्चुअली इट्स द पीपल हु आर सेलिंग इट, सही है, जो आपको दिखाते हैं कि बेटा देखो मेरे घर में स्विमिंग पूल है, या मेरी गाड़ी की चाबी देखो लेक्सस है, तो यार फिर मेरे जैसे कमजोर ईमान के बहुत लोग हैं। अच्छा सर, एक मेरा एक सवाल है, मैं जब भी सीनियर से मिलता हूँ ना तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शायद जो चीज़ मैंने इमेजिन की थी छोटे होते हुए वो मुझे सब सीनियर्स में दिखती है। तो जो जितने भी सीनियर्स हैं उन्होंने इतना सारा काम किया, इतना बड़ा बड़ा काम किया हुआ है, लेकिन उनका एटीट्यूड और उनका दिल ऐसे है, लेकिन ये जो हम हमारी जो नई जनरेशन जिसमें हम काउंट होते हैं, उसमें ये दो सोप करके दिमाग क्यों ख़राब हो जाता है?
कि मेरा चार्जर लगवाओ, मैं 3 बजे नहीं आऊंगा, मैं नीला नहीं पहनूंगा, ये कैसे होता है? नीला नहीं पहनूंगा? हाँ हाँ, ये भी देखा मैंने। नहीं, ऐसे भी हुआ कि भाई हजरात जो हैं वो ऐसे हैं, लड़कियों से ज्यादा कॉन्शियस है अबाउट देयर स्किन, देयर लिप्स एंड देयर हेयर। सो यूं हुआ कि भाई सीन में उनको खुदकशी के बाद अस्पताल से वापस आना है, ठीक है, तो हम मेकअप बेचारी ने डरते डरते कहा कि सर थोड़े से हल्के डाल दें। उन्होंने अपने नाम लेके कहा कि मुझे हल्के नहीं पड़ते हैं। पढ़ते ही नहीं है मुझे, हल्कों से बालातर हूं मैं, बालातर मेरे पीछे कुत्ते पढ़ते हैं लेकिन हल्के नहीं पढ़ते। बिल्कुल। वाह वाह। अच्छा, एक और चीज जो तुमने कहा कि बड़ों सीनियर्स के दिल ऐसे होते हैं, इसका जरा सा ऐसे थे, मतलब कि मतलब ओपन होते हैं ना, इजी होते हैं, मतलब उनसे आप बात कर सकते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, उनसे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, वो आपके साथ बैठ के बात भी कर लेते हैं, कोई नखरा भी नहीं होता, टाइम पे भी आ जाते हैं, फिर जितने सीन्स बोले होते भी करा देते हैं, ये भी नहीं बोलते भाई 9 बजे चला जाऊंगा जल्दी। देखो फैजान, बात यह कि मैं ऐसे नहीं आया तुम्हारे शो पे, ऑनेस्टली जी, मैंने पहले तुम्हारे शो देखा, मैंने लोगों से तुम्हारे सवालात देखे जी, मुझे यूं लगा कि तुम्हारे शो में बड़ी इंटेलिजेंट बातें हो रही हैं मगर बड़ा लाइटर मूड के साथ हो रही हैं जी, बिल्कुल एनर्जी के साथ हो रही हैं, इसलिए मैं आया, वरना काफ़ी तुम जानते हो यार काफ़ी सारे मैंने मना कर दिए सिर्फ इस वजह से कि फिर वही वाले सवालात होंगे, वही वाली बातें होंगी और फिर एनर्जी भी कोई नहीं होगी। सही, इसलिए मैं तुम्हारे शो में तो इसलिए आया हूँ कि तुम दोनों की एनर्जी बहुत है सर, इंशाल्लाह पॉजिटिविटी बहुत है इंशाल्लाह, अगर आप बहुत सालों बाद भी आए ना तब भी हम यहाँ मेहंदियाँ शादियाँ नहीं करवा रहे होंगे। हाँ, नहीं, जिस हिसाब से मुझे मारा जा रहा है बहुत साल नहीं होंगे। अच्छा मुझे बताएं कि ये एक एक्टर का क्राफ्ट पे वो होता है ना कि जी मैं ये काम करूंगा और शायद ये मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं कर सकता, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि यार ये वाला मैं नहीं कर सकता, कभी कोई काम आपने इस वजह से मना किया? हाँ, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ सर, मुझे एक्टिंग नहीं आती। अब यूँ होता है कि अगर मैं देखता हूँ यार ये तो बहुत मुश्किल सी चीज़ है, इसके अंदर तो मुझे बहुत यूँ 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 करने पड़ेंगे, मुझसे नहीं होगा, जैसे लाउड कॉमेडी मुझसे कभी भी नहीं होगी, मैं कर ही नहीं सकता। विलेन बनने की कोशिश की एक मूवी में, तो उन्होंने कहा कि जी इतना शरीफ बदमाश हमने पहली दफ़ा इतना शरीफ क्यों सा बदमाश है ना, तो मैंने कहा वो भी मैं नहीं कर सकता, नेगेटिव कैरेक्टर शायद मुझ पर सूट नहीं करते, लाउड कॉमेडी मुझे सूट नहीं करती, तो एक तरह का जी बस लड़कियों का अब्बा बना दो, कुछ दिन के लिए मैं रोऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि करवाने की बात है, आई एम श्योर कि आप कर सकते हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता? एज आई सेड फैजान, टू बी एन एक्टर इट्स अ बिग बिग थिंग, इट्स नॉट ईजी, लोग समझते हैं कि कैमरे के सामने खड़े होकर वो एक्टिंग कर लेंगे मगर होता नहीं। टू डू समथिंग विच यू आर नॉट इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू ट्रेन फॉर इट, एंड आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, आई हैव डन थिएटर बट देन अगेन दैट वाज अपनी जवानी में शायद किया होगा थिएटर, अब बुढ़ापे में जाके आपको एक्टिंग मिल गई तो देयर इज अ गैप ऑफ बिटवीन लाइक 20 years एटलीस्ट, तो 20 सालों में तो हम लिखते रहे थे, हम मुंशी बने हुए थे जी। फिर मुंशी से हमें निकाल दिया गया तो फिर हम इस फील्ड में आ गए, अब देखिए कब तक अब्बा बन के चलते हैं। अच्छा मैं सर को एक फॉर्मूला बताने आता हूँ। हाँ, वैसे तो आप हम वैसे बहुत बड़े, आपका तजर्बा बहुत बड़ा है लेकिन कुछ चीज़ें छोटे भी सिखा, अगर आप चाहते हैं ना आपको विलन का काम मिले, इंस्टाग्राम पे लाइक्स बढ़वा लें अपने, सुना है कोई कंपनी है जो 5,000 रुपये में बढ़ाती है? जी जी सर, पैकेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट जी सर, करवा ले विलन क्या ऐसा ऐसा आएंगे, आप लेडीज में भी आ रहे होंगे। हाँ, हर तरह का काम मिलता है फिर, क्योंकि अब कास्टिंग ऐसे भी होती है ना सर, देखते हैं अच्छा इनके इतने फॉलोअर्स, इनको बुला लो, बिल कर ले आप। सर ये क्या ट्रेंड है, ये किस तरह का ट्रेंड है? मतलब देखो बड़े काम चोर है, वो मेहनत करके ढूंढना नहीं चाहते, उन्होंने देखा यार ये तो फॉलोअर्स के हिसाब से चलो यहाँ पर, वहाँ पे अल्लाह करे कोई आंटी बैठी हुई है बुड्ढी सी मगर फॉलोअर बहुत है, फॉलोअर बहुत है ना, अभी आजकल है खातून, मैं टिकटॉक बहुत देखता हूँ। अच्छा, अब उसके लिए आप चाहे कितना मुझे जज करें, बिल्कुल जज, बिकॉज 15 सेकंड के अंदर जो टिकटॉकर्स करते हैं वो अच्छे से अच्छा एक्टर नहीं कर सकता, एंड 15 सेकंड बहुत यानी कमर्शियल से भी कम वक्त है जी, जी, बहुत उसमें बाज लोग इतने क्रिएटिव हैं कि मैं इन पे हैरान रह जाता हूँ कि यार इन्होंने सोचा कैसे है ये। सर मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट कि आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, चीज अच्छी बुरी हर जगह हो सकती है, एग्जैक्टली, इंटरनेट भी कहते हैं जी खराब है लेकिन उसका अच्छे इस्तेमाल भी मौजूद है, बिल्कुल तरीके से। तो अब टिकटॉक से भी कुछ बड़े अच्छे आर्टिस्ट आए हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं, वो कहाँ जाए यार। सही बात, आपके तो गेट से नहीं अंदर दाखिल हो सकते, नहीं हो सकते।
ठीक है, तो उनको एक मिल गया है प्लेटफॉर्म जिसपे वो अपने दिखा रहे हैं, उसमें डांसेस हैं, सिंगिंग है, कॉमेडी बड़ी अच्छी है, यस बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाई डू यू जज देम, आई डोंट अंडरस्टैंड। लाइक मुझे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, कि जब भी टिकटॉकर की बात हो रही हो तो जो हमारे अमीर तरीन लोग हैं वो कहते हैं ओ गॉड आई डोंट वॉच टिकटॉकर्स, व्हाट चीपनेस, उसकी रीजन बताओ यार मुझे, ये क्या है। सर जैसे कि आपने कहा और मैंने इससे पहले इसीलिए ऐड कर दिया था कि आपका परसेप्शन आप खुद बनाते हैं, आपकी मर्जी है कि आप उसमें से अच्छा देखें या आप उसमें से बुरा देखें। अच्छे बुरे लोग इस इंडस्ट्री में भी हैं, चाहे कोई और इंडस्ट्री उसमें भी मौजूद हैं। आपका यूसेज क्या है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर और आपका दिल साफ होगा तो आपको साफ लोग नजर आएंगे। आदि की बात मुझे समझ में आती है ऑनेस्टली। जी जी, लाइक हम बहुत क्लास कॉन्शियस लोग हैं, बिल्कुल। हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमें एक अलग तबके में रखा जाता है, अगर हम उर्दू मीडियम है तो टेबल तक बदलते हुए देखा है मैंने लोगों को कि ये तो यार उर्दू मीडियम टेबल पे मैं नहीं बैठ रहा, प्लीज चेंज माय, आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन दिस कंट्री। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा जजमेंटल हो गए। ठीक है, तो आपको जो टिकटॉक पे जो लोग आ रहे हैं वो हमारा वो वाला तबका है जिनकी चारों की पहुंच नहीं है, रसाई नहीं है, रसाई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ डू यू जज देम एंड हु आर यू टू जज देम। बिल्कुल बिल्कुल। आप असलाह लेके घूम सकते हैं गाड़ी में, दैट इज फाइन, वहां जज नहीं हो सकते, वहां जज नहीं होंगे आप, वो तो मेरी सिक्योरिटी है। पीछे गार्ड्स बैठे होंगे काले रंग की बीगों में आपकी तरफ गन करके और आपकी गाड़ी को कह रहे हैं आगे चल, उसको आप जज नहीं करते क्योंकि आपकी जरूरत नहीं है उनको जज करने की। बिल्कुल। लेकिन ये जो कर रहे हैं बेचारे टिकटॉक पे अपनी कोशिश, उसको आप जज करते हैं। मुझे तो लगता है उनको भी जज करना चाहिए, जो अमीर खवातीन जो है बड़ी बड़ी हील पहन के लंगड़े घोड़े की तरह नहीं चल रही है, उनको भी जज करना चाहिए। मजा आते हैं उनको जब किसी लॉन में चलता हुआ देखते हैं, ऐसे यूं पैर हो जाते खवातीन। उस बात आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज बिल्कुल लोगों को जज मत करें, उनको अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने दें। और वैसे ही प्लेटफॉर्म्स नहीं है तो अगर किसी को कोई प्लेटफॉर्म मिला है तो प्लीज उनको वहां पर एंजॉय करने दीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, वापस आइए। हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली मोहम्मद अहमद साहब, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मेरे साथ मौजूद है आदित्य लमजद, उनके साथ मौजूद है सर मोहम्मद अहमद और उनके साथ मौजूद हूं मैं। अच्छा आज पहली दफा में कर लिया मैंने, लड़का सीख गया भाई। सर हम खेलने लगे दिस और दैट, मजेदार 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 मजेदार। एक सवाल होगा उसके दो जवाब हैं, आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि डिप्लोमेसी होगी नहीं तो आप तो डायरेक्ट बोलेंगे। वेरी गुड, चलें जी पहला सवाल, कॉमेडी कैरेक्टर्स या सीरियस कैरेक्टर्स? सीरियस कैरेक्टर्स। लाइव शोज या रिकॉर्डेड शोज? लाइव शोज। एक्टिंग या फिर राइटिंग? सर अचानक से गूगली करते हैं हम, राइटिंग राइटिंग सर राइटिंग। आप मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप क्यों एक्टिंग? As I said, I'm not an actor, अभी गुजारा हो रहा है तो हो रहा है। अच्छा टीवी या फिल्म? फिल्म। फिल्म, ठीक है सर। फिल्म का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टीवी से मुख्तलिफ है, तो आपने उसको कितना एंजॉय किया? मैं बीच में प्लग इन कर रहा हूँ ये सवाल। यार उसमें विजन ज्यादा बड़ा होता है ना, अब आपके पर पाबंदियां भी जरा कम होती हैं। ठीक है, टीवी पे तो आपको बंदूकें रखी होती हैं, आप वो लिखें जो वो कह रहे हैं। साइकिल या फिर रिक्शा? रिक्शा। रिक्शा। वोट या फिर आई डोंट केयर? वोट। पंक्चुअल या फिर लेट? पंक्चुअल, वेरी पंक्चुअल। सोशल मीडिया या फिर नो? सोशल मीडिया। को एक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स? को एक्टर्स। अगर किसी डायरेक्टर से ना बन रही हो आपकी, एक तो आपकी रिस्पेक्ट में भी शायद ना लोग बोलते होंगे सर ऐसे कर लें, या फिर आप कहते नहीं जी मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। अरे सर शो बिजनेस, शो बिजनेस क्या भाई, शो शो बिजनेस में। ओके सर, ओके। नहीं मतलब ऐसा होता है कि डायरेक्टर बोले नहीं जी आपने ऐसे करना, आप बोले भाई मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करना चाहता हूं, कभी इसमें कोई हुआ है आपस में डायरेक्टर? हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर कौन जीतता? हम जलील हुए। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, कौन कर सकता है, किसकी मजाल है सर? भाई जाहिर सी बात है जब अगला चेक रुक जाएगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, मेहरीन जब्बार या फिर आबिस रजा? आबिस रजा। आबिस रजा। आदि भाई आपने आज वो नहीं दी, अपना डील नहीं दी सर को, मैं डील अभी बताने लगा था, मैंने कहा उसके बाद मैं फौरन सवाल पूछूंगा। सर ये आपके हमने क्यों पढ़ा है, अगर आपने इसको हमारे आखिरी सवाल तक सॉल्व कर लिया ना तो आपको हम 2,00,000 रुपए कैश देंगे, जो कि आपको पता है हम नहीं देंगे। मैं घर जाऊं? नहीं नहीं सर, यही रुके सर, सर भी अटेम्प्ट तो करें ना, क्या पता क्या पता? मैं इसको तोड़ के ना हमेशा फेंकता रहूं उसके, क्योंकि मेरा हाल ये हो जाता है कि मेरे समझ में कुछ नहीं आता, फिर मैं टुकड़े करता हूं। ठीक है सर, आउटडोर्स या फिर इनडोर्स? इनडोर्स। मरीना खान या इमरान खान? मरीना खान। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव। विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। ऑटोग्राफ या सेल्फी? सेल्फी। सर बदतमीज सवालों का दौर शुरू होता है जी। आदि भाई ऐसा कुछ नहीं है सर, आइए सर ये बताइए कि शलवार या चूड़ीदार पजामा? शलवार। ये बताइए क्लीन शेव या दाढ़ी? दाढ़ी। ये बताइए लंबे बाल छोटे बाल या नो बाल?
ये तो बीच में आ गई, इसमें दो ऑप्शन है। अगर तुम्हें ये बीच में लग रहा है तो तुम यार गले मिलो आज। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सर ये बताइए कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। ये बताइए प्यार एक बार होता है या प्यार तो प्यार है कभी भी हो सकता है? बार बार होता है। बार बार हो रहा है, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पब्लिक प्लेसेस में जाके बैठना या अपनी प्राइवेसी में बैठना? प्राइवेसी। ये बताइए कि बचपन में किसी के साथ गार्डन में बैठना या बचपन में किसी के साथ बाइक पे जाके बार बार ब्रेक मारना? बचपन ही जवानी होता है वो। हमारा बचपन ही था। अच्छा मैं तो अभी तक ब्रेक मार रहा हूँ। वेरी गुड, ठीक है सर। इम्प्रोवाइजेशन या फिर स्क्रिप्ट? इम्प्रोवाइजेशन। ऑटोग्राफ या सेल्फी? सेल्फी। गॉसिप करना या गॉसिप सुनना? दोनों। सर कोई एक बताए ना, किस में ज्यादा मजा आता है, करने में यार? अगर में? सुनोगे नहीं तो करोगे कैसे? अच्छा पहले सुनना, पहले फिर सुनना, उसमें ऐड हो जाना। यस वेरी गुड। रिहर्सल या नो रिहर्सल? रिहर्सल। सर आजकल तो मैंने सुना है लोग रिहर्सल से भी भागते हैं, कहते हैं रिहर्सल हमें सिखाएंगे, रिहर्सल कहां से? तो फिर क्या होता है? माय गॉड आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन द जिम, आई कांट कम ऑन टाइम। तो रिहर्सल का कोई सीन नहीं है। ठीक है, मीरा या फिर रीमा? रीमा। जावेद शेख या आमना शेख? आमना शेख। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। पूछिए। सर ये बताइए कि मीरा जी या कैप्टन साहब? कैप्टन साहब कौन? अच्छा वो जो मछली बनाते हैं यहाँ पे केवाड़ी पे, कैप्टन सलीम की बात कर रहे हैं? जी अरे वो कैप्टन सलीम ही थे वैसे। पूछो पूछो। अच्छा सर ये बताइए कोन में आइसक्रीम खाना या चम्मच से आइसक्रीम खाना? चम्मच से खाना। ये बताइए घड़ी पहनना या घड़ी नहीं पहनना? ना पहनना। ये बताइए गोल गप्पे खाना या मीठी पूड़ी खाना? गोल गप्पे। और ये बताइए कि गोला गंडा जो है वो डंडे पे लगा के खाना या वो चम्मच से बर्गरों के? डंडे में लगा के। डंडे में लगा के खाना। असली सुहेल जावेद या फिर आसिम अब्बासी? आसिम अब्बासी। ठीक है सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और आपका ये जवाब बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, क्योंकि ये देखें गंभीरता देखें आप। सर उधर देख रहे हैं ऐसा क्या हुआ भाई? सर इसलिए क्योंकि आपका जो तजुर्बा है, आपने जितना टाइम दिया है, आपका जो ओपिनियन है वो बड़ा मैटर करता है। और इंटरनेट पे आपको पता है एक चीज़ आ गई तो जिंदगी भर साला साल रहेगी, तो लोग बार बार जाके देखेंगे और फिर हमें बताएंगे कि ये हुआ था आपके साथ। तो आपने ज़रा सोच समझ के जवाब देना है, आदि या फैजान? ये देखें सर लड़का आदि। अरे वाह हो जाता है सर को, मैंने शुरू में कहा था कि लड़के का स्कोर कम है, थोड़ा सा स्कोर बढ़ा दें। सर ने मेरी बात मानी। अरे बोलने तो दो यार। ठीक है जी, कभी कभी ऐसा भी होता है जब सवाल के दो ऑप्शंस हो तो एक ऑप्शन चुनना ही पड़ता है। वक्त भाई जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है सर मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है सर मोहम्मद अहमद, उनके साथ मौजूद है आदि अदीलम, उनके साथ मौजूद हूं मैं। वाह पक्का हो गया हूं मैं, पक्का हो गया हूं मैं। सर हमने एक सिलसिला ही शुरू किया है कि हम अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसी भी टैलेंट को जो कि आके अपना टैलेंट शोकेस करना चाहे। हमारी कोशिश है क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेटफॉर्म्स हैं ही नहीं, लोगों को मौके मिलते ही नहीं है। तो अब तक जितने लोग आए बहुत जबरदस्त हैं, आज भी हमारे साथ एक टैलेंट मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। उनका नाम है कौनैन ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से। मुझे बताएं कब से सिंगिंग कर रही हैं आप? मुझे बचपन से शौक था, मेरे बाबा पियानो प्ले करते हैं, टीचर हैं। अच्छा। उनके साथ बैठ के मैं जब वो अपनी जैमिंग करते हैं तो मैं उनके साथ बैठ के गाती हूँ थोड़ा सा। ये बताइए आपके नाम का मतलब क्या है? कौनैन ज़हरा का मतलब? ये उर्दू वाला तो नहीं है कि दरवाजा बजता कौन है? नहीं भाई कौनैन नाम है, कौन है नहीं कौनैन नाम क्या मतलब है? अच्छा आपको भी नहीं पता, सही है। अच्छा तो आप करती क्या, वैसे क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हैं अभी आप? स्कूल में 8th क्लास में हूँ। अरे वाह आप 8th में, माशाल्लाह। ठीक है, और कब से ये सिलसिला चल रहा है सिंगिंग का? मैं वैसे तो नाते वगैरह पढ़ती हूँ और अभी मुझे शौक हुआ तो मैं ऐसी सिंगिंग करने। और आपको पता कैसे चला कि ये मैं गा सकती हूँ, किसी ने बताया या आपको कुछ खुशफहमी हुई या क्या हुआ? दोस्तों ने कहा यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। सभी कहते हैं आवाज़ अच्छी है, सभी कहते हैं मैं भी अच्छी हूँ, मेरी आवाज़ भी अच्छी है। वाह जी वाह। तो कभी किसी सिंगर ने इंस्पायर किया हुआ आपको बहुत ज़्यादा कि जी इन इन जैसा बनना है, इन जैसा गाना है? कोई नहीं, नहीं नहीं है बहुत। तो कौन है? तो फिर नाम बताइए। ऐसे सज्जाद अली हैं और मैडम नूरजहां हैं। अरे वाह। अच्छा ये बताइए आपने कहा कि आपने वालिद साहब के साथ जैमिंग करती हैं, तो वालिद साहब भी कुछ इंस्ट्रूमेंट या सिंगिंग करते हैं? पियानो बजाते हैं। पियानो बजाते हैं, पियानो पियानो बजाते हैं। जबरदस्त, आसान है ना, घर में उठे घर में ही जैमिंग कर ली। हाँ अच्छी बात है, घर से आपको सीखने को मिलता है। हम अपने घर में उठते हमारे घर में कुछ हो ही नहीं रहा होता, सब आ रहे हैं काम कहीं नहीं है ऐसा की कसम, हमारे घर मासी टाइम पे नहीं आ रही। की बात है क्या हो रहा है भाई।
ठीक है जी, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? कौन है मैडम? नूर जहां का सॉन्ग है, महकी फिजाएं। अरे वाह, जबरदस्त। बेस्ट ऑफ लक जी, उम्मीद करता हूँ आज की परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारी कामयाबी मिलेगी, बहुत सारी पजीराई मिलेगी। सो द स्टेज इज योर्स। जबरदस्त कौनैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपकी परफॉर्मेंस के बाद आज की आपको बहुत सारी पजीराई भी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। इसी तरह जो चीज़ आपको पसंद है उसको फॉलो करते रहें, और बेहतर है कि अपने टैलेंट को और अच्छा निखारें, जो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। अगर आपने ये चीज़ फॉलो करनी है तो आप बिल्कुल उसकी ट्रेनिंग लें, तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत सारी तालियां जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे हमारे हाउस बैंड के लिए। बड़ा अच्छा गाना गवाया मैंने, वेल डन वेल डन। सर, ये जो हर कुछ अरसे बाद एक नया टैलेंट आता है, इसमें कुछ लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं आगे आ जाते हैं या फिर आगे काम करते रहते हैं। नई बहुत से मैंने सुना है कि उनको बार बार इस बात का वो कहते हैं कि जी सीनियर्स जो हैं वो वेलकमिंग नहीं लगते या वो खुश नहीं होते जब नए बच्चे आते हैं, ऐसा कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नेगेटिविटी बहुत है ना। हाँ जी, एक तो नेगेटिविटी, हम लोग बहुत अच्छा लगता है हमें जब दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। फेवरेट मुझे लगता है मशगला है हमारा, मैं बेस्ट है ना, काम ये बेस्ट ये काम है बिला वजह के कीड़े निकालना। अब ये बच्ची को देखो, इसने जो गाना चूज किया जी बिल्कुल जहाँ का, वो बहुत मुश्किल गाना है। एब्सोल्युटली, एंड आई वांटेड टू लाइक अप्रिशिएट द गाय हियर ऑन कीबोर्ड, इमरान भाई। इमरान भाई आपने बहुत अच्छा बजाया, जबरदस्त, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। थैंक यू इमरान भाई, पाकिस्तानी गाने छुट्टी ना कर लिया तारीफ हो में। जब नया टैलेंट आके पाकिस्तानी गाने गाता है ना जी सर, तो मुझे बेहद खुशी हुई। सर हमने तो रीत रखी हुई है यही वाली कि जी आपने पाकिस्तानी गाना ही गाना है, और हम इजाजत देते हैं कि आपको जो पसंद हो, जिस पे आपको लगता है कि अपना उबूर हासिल है, आप वो करें। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ये गाना सुन के, एक तो गाना बहुत अच्छा था ये जी बिल्कुल नूरजहां का, और बड़ा डिफिकल्ट, और फिर बैंड आपका इज अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आदि भाई, मैं बैंड को देख रहा था, मुझे यकीन नहीं होता इनकी तारीफ हो रही है। नहीं ऐसी बात नहीं है यार, कभी कभी ये लोग फॉर्म में होते हैं। नहीं नहीं, कभी कभी बहुत है, नहीं हमेशा ही फॉर्म में होते हैं। हाँ। लेकिन कभी भी नहीं होते। सर आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसका नाम है जी स्टोरी। मजेदार स्टोरी में कुछ होगा क्यों कि ये आपको 5 वर्ड देंगे, मैं 4 वर्ड दूंगा और आप 3 वर्ड देंगे। हमने उस पहले हम 3 वर्ड स्टोरी खेलते थे कि सबके पास 3 वर्ड्स हैं, आज हमने उसको थोड़ा ट्विस्ट दिया। ओके, कि ये 5 वर्ड्स देंगे, मैं 4 वर्ड दूंगा, आप 3 वर्ड देंगे, लेकिन स्टोरी हमने जारी रखनी है। ठीक है जी आदि भाई, चले मेरे पास 5 है जी, चले। एक जमाने की बात है कि एक गांव में एक कौवा, एक बकरी और बत्तख रहते थे। अरे सर आपने तो 5-6 वर्ड बोल दिए। ठीक है, आपने 3 वर्ड्स बोलने हैं, लेकिन आप जा सकते हैं। कौवा, बकरी और कुत्ता। एक कौवा, बकरी और कुत्ता।
साथ में बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक दिन बकरी बकरी आगे की, सिर्फ तीन वर्ड्स बोलने, तीन वर्ड्स बोलने थे आपने, उड़ गई भाग गई खा गई उड़ गई भाग गई खा गई खा गई। आप बताएं, ये देख के उनका मालिक परेशान हुआ, लेकिन फिर कुत्ता वापस आ गया, कुत्ता वापस आ गया, भाग गए थे लेकिन कुत्ता वापस आ गया, कुत्ते ने कुत्ते वाली हरकत की तो लेकिन बकरी कुत्ते ने कुत्ते वाली हरकत की तो लेकिन बकरी बकरी भौंकी कुत्ता उड़ गया, बकरी भौंकी कुत्ता उड़ गया, कुछ हैरी पॉटर की तरफ जा रहे हैं हम बकरी मारी है कुत्ता बकरी भौंक रही है कुत्ता उड़ा है, मालिक ने नशा किया हुआ था पूरी रात, मगर मालिक ने नशा किया मतलब पूरी रात, मगर मालिकन ने जूती उठाई, मालिकन ने जूती उठाई, जूती देख के मालिक का पसीना निकल गया पसीना, घबराइए नहीं दोस्तों, पसीना निकल गया और आपकी शवाब्दीत पे कान हाथ जोड़ मर गया मर गया भाई मर गया भाई मर गया भाई मर गया, आगे कुछ नहीं हुआ आगे सब मालिक के लिए दुआ करते रहे, लेकिन उनका उनका हिसाब किताब हुआ, अरे वाह हिसाब किताब हुआ, उनका हिसाब किताब हुआ, हिसाब होते ही हिसाब फट गया हिसाब फट हिसाब फट गया और नए सिरे से कहानी शुरू हुई, हुई। वाह जबरदस्त, इसे कहते हैं जी पूरा सर्कल, आपने देखा कि उनका हिसाब होते होते इनका हिसाब फट गया और कहानी नए सिरे से शुरू हुई। I love the fact that yes, it sounded like Harry Potter. It did. देखिए हम Harry Potter भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास मौजूद हैं लोग, से तीन लोगों ने बैठ के आपने कैसी कहानी बना ली, वेरी गुड, हिसाब किताब का ख्याल कीजिए, वक्त हुआ ब्रेक का, हम भी हिसाब किताब का ख्याल कर रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है सर मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वेलकम बैक जी, आप देख रहे थे मजेदार शो, हमारे साथ मौजूद है सर मोहम्मद अहमद, उनके साथ मौजूद है आदि आदिल हमजा, उनके साथ मौजूद हूं मैं, यार तीन दफा कर दिया आज मैंने, है ना, तीन दफा कर दिया सर, अब हम खेलने लगे बोरो, मजेदार 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 मजेदार, उसमें हुआ कुछ यूं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी, उसमें आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपने उनसे कोई चीज बोरो करनी है और उनको एक मशवरा देना है, अल्लाह माफ करे, लेन देन का गेम, लेन देन का गेम है सर, बोरो था लेकिन हमने इसमें ट्विस्ट दिया आपके लिए, तो जी लाइए दिखाइए पहली तस्वीर, कौन है, बुशरा मैम, सॉरी सर, क्या बोरो करेंगे और क्या मशवरा देंगे, ह्यूमर बोरो करूंगा, ह्यूमर बोरो करेंगे, बिल्कुल ठीक, आसान जवाब था ये, अब आप मशवरा क्या देंगे सर, मशवरा तो देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, अब आप बूढ़ी हो जाइए बूढ़ी हो जाइए, वाह जी वाह, सही है, ठीक है, अगली तस्वीर दिखाइए जी, अरे कभी खांसा, तहजीब बोरो करूंगा, तहजीब बोरो करेंगे, जबरदस्त सर, मशवरा क्या देंगे, यूनिवर्सिटी खोल लें, यूनिवर्सिटी खोल लें, क्या बात है सर, यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी खोल लें, क्या बात है सर, बहुत उम्दा, हाँ जी अनवर मकसूद साहब, काबिलियत बोरो करूंगा, वाह वाह सर, और मशवरा क्या देंगे, आंगन टेढ़ा फिर लिखिए, अरे वाह वाह, आंगन सर अभी रिसेंटली आंगन टेढ़ा थिएटर में भी हुआ था, देखा था मैंने, देखा था आपने, आपको मजा आया होगा, बहुत मजा, यासिर ने बहुत खूबसूरत काम किया था, बहुत खूबसूरत किया था यासिर हुसैन, वेल डन, अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाइए, खलील उर रहमान कमर साहब, लिखना बोरो करूंगा, ठीक है, और मशवरा क्या देंगे सर, ज्यादा ना बोले, ज्यादा ना बोले, ब्लड प्रेशर की दवाई खा लिया मैंने रोज सुबह, ठीक है जी अगली तस्वीर दिखाइए, हिना दिल बजी मैम,
इनकी स्पॉन्टेनियस एक्टिंग बोरो करूंगा. ठीक है, मशवरा दूंगा कि गाना भी शुरू कर दें. गाना भी शुरू कर दें. अच्छा, ये अच्छा गाती हैं. शी इज ब्रिलियंट. अरे हमें पता होता, ये तो हमारे शो पर आई थी, हमने इनसे गाना नहीं गाया. शी इज अ ब्रिलियंट सिंगर. अरे मतलब दोबारा पार्ट टू लाना पड़ेगा. पार्ट टू बनता है. ठीक है जी सर, अगली तस्वीर. शहरयार मुनव्वर. खूबसूरती बोरो करूंगा. वाह 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 सर, बड़े स्मार्ट चल रहे हैं आस पास. और क्या मशवरा देंगे सर? इकरा अजीज के साथ हीरो आए. इकरा अजीज के साथ हीरो हैं. वाह जी शहरयार साहब, अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए मुफ्त में हमने मशवरा दिया, इतना इम्पोर्टेंट सर ने, कि इकरा अजीज के साथ आप हीरो. मैं शहरयार भाई को मशवरा देना चाहूंगा कि स्विमिंग पूल में चाय ना पिए, वो ना पतलून पचपच हो जाती है तो चाय पीते अजीब था. वो भाई वो खाली एक फोटो शूट था यार, क्या हो गया है? अच्छा. और वो चाय का कप खाली था. अच्छा हवा पी रहे थे यार. आप पता नहीं क्या बदतमीजी करते हैं. ठीक है जी, अगली तस्वीर दिखाएं. अरे मुस्तफा कमाल साहब. मुस्तफा कमाल, मेहनत बोरो करूंगा. अरे वाह वाह सर, 10 out of 10 चल रहे हैं सर. बिल्कुल. हाँ जी मशवरा सर, आप कुछ फिल्टर कर रहे हैं, मुझे फील हो रहा है. कुछ फिल्टर करते हैं आप हर दफा. लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो. ठीक है जी, अगली तस्वीर दिखाएं. अगली तस्वीर हुमायूं सईद साहब. हुमायूं सईद साहब, जवानी बोरो करूंगा. वाह जी वाह. और क्या मशवरा देंगे सर? फिल्म में हीरो ना है. ना है फिल्म में हीरो. अरे बहुत गहरी बात है, इसके पीछे यकीनन कोई सोच होगी. कुछ हमने बातें ब्रेक के लिए भी रखी हैं. अगली तस्वीर दिखाइए भाई. सनम सईद. सनम सईद, ओह माय गॉड, ओके. इनसे वो क्या कहते हैं, बहुत प्रोफेशनल जो होते हैं उनको, प्रोफेशनल एटीट्यूड. प्रोफेशनल एटीट्यूड बोरो करूंगा. ठीक है, और मशवरा क्या देंगे सर? और टीवी पे वापस आए. टीवी पे वापस आ जाएं. जबरदस्त, हमारे टीवी पे तो आ रही हैं अभी. वो तो हमने तस्वीर लगाई है ना भाई. अगली तस्वीर दिखाइए जी. गुले राना जी. बम का गोला. हाँ वाकई, ये तो टैलेंट का गोला कहता हूँ मैं. हाँ. इनसे जोक सुनाने का हुनर बोरो करूंगा. ठीक है. हाँ, ये इतने अच्छे जोक सुनाती है सर, एक के पीछे एक. और सुनाती भी फिर जिस लैंग्वेज में होता है ना, उसके टोन में सुनाती है. बिल्कुल. और मशवरा है कि स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दें. अरे वाह 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 सर, आपने सबका बिजनेस बना दिया, सबको आपने वो वाले मशवरे दिए कि जबरदस्त सर. ये था हमारा बोरो और इसमें आपने जबरदस्त मशवरे भी दिए. रिसेंटली मैं एक चीज पे अभी टच करना चाहता हूँ. हमने एक वीडियो देखी थी, एक आदत और शो था जिसमें सीनियर्स के हवाले से कुछ बात हो रही थी. मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने एक लंबा चौड़ा फर्रा लिख दिया था उस पर. आपने उसके बाद एक बड़ी मजे की भी वीडियो बनाई थी जो मैंने खुद शेयर भी की थी. तो ये मुझे बताएं कि जब इस तरह की कोई चीज़ें देखते हैं तो क्या क्या फील करते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, तुम गालिबन उस शो की बात कर रहे हो जिससे सीनियर्स की बहुत बेइज्जती की गई थी. एब्सोल्युटली सर, उसको देख के मेरा खून खौल गया था. आप जो भी है, आपको अपने सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी आधी जिंदगी दी है. सर कुछ लोगों ने तो आधी से भी ज़्यादा दी हुई है, खासतौर पर जिनके नाम वहाँ मेंशन हुए थे, चाहे वो कवि साहब हों, चाहे वो अनु मकसूद साहब हों. बहुत ज़्यादा इन लोगों ने तो बहुत आधी से ज़्यादा जिंदगी भी दी. और जो लोग बैठ के बात कर रहे थे उनकी तो उतनी एज भी नहीं जितना उनका एक्सपीरियंस है. बिल्कुल. तो ये जो आजकल एक अजीब सा रुझान है. देखो बात यह है कि पहले की बातें, मैं तुम्हारे साथ बैठ के मुझे यूँ लग रहा है कि मेरी उम्र 20 साल कम हो गई है. जी सर. ठीक है, और उसमें कहीं मेरी बेइज्जती भी नहीं हुई, मगर तुमने मुझे वो फीलिंग दी है, एक बहुत फ्रेश फीलिंग है. ठीक है, मगर कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि अगर सीनियर्स उनके साथ बैठ जाएं तो सीनियर्स की इज्जत जो हथेली पे आ जाती है, क्योंकि वो जिस तरह की बात कर देते हैं, क्या कहते हैं, मीडिया की आज़ादी के नाम पे, मीडिया की आज़ादी, या फिर आज़ादी राय के नाम पे. हाँ, आज़ादी राय के बारे में जी, मेरा अपना ओपिनियन है जी, कि आपको किसी सूरत किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. मैं ये बात इसलिए लेकर आया क्योंकि ये बात पहले एड्रेस हो चुकी थी और हम समझे थे कि बात खत्म हो गई होगी, लेकिन वही दो लोग दोबारा एक और शो पर गए और उनसे कहा गया कि अगर आप अपना ओपिनियन चेंज करना चाहें तो हम आपको मौका देते हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ओपिनियन वही रहेगा, तो हमारे ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश मत करें. तो आपका ओपिनियन ठीक है, आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, लेकिन जो लोग अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दे चुके हैं उनके साथ कम से कम आप ये जुल्म ना करें कि आप उनकी बाकायदा टीवी पे बैठ के उनसे कहें कि जी सीनियर वीनियर कुछ नहीं होता. उनके लिए एक बड़ी मजे की बात यह है कि जो रिवायात भूल जाते हैं, अपनी हर बात भूल जाते हैं, बेअदब पस्त नज़र
बदगुफ्तार अपनी औकात भूल जाते हैं, तो अपनी औकात मत भूलिए बराए मेहरबानी, जो सीनियर्स हैं उनकी इज्जत कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर की भी बात नहीं है, आपसे जो बड़ा है आपने उसकी इज्जत करनी है यार, वो आपसे बड़े हैं, लागू होता है, मतलब काम की बात नहीं है। दुनिया में भी अगर फर्ज करें कोई आपके लिए गाड़ी चला के आया और वो आपसे एज में बड़े हैं, तो वो बड़े हैं, उनकी इज्जत बनती है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये सुन के ना आई गेट हर्ट कि ये क्या माइंड सेट है कि आप किसी बड़े को इज्जत ना दें, ये कैसे हो सकता है इस दुनिया? और अगर इस दुनिया में ये हो रहा है तो ये दुनिया खत्म क्यों नहीं हो जाती फिर? हो रही, उसी तरफ जा रही है। आई फील सो सैड फॉर एवरीबडी जिनको ये लगता है कि यार अब हम मॉडर्न हो गए या हम काठे अंग्रेज बन गए, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह के लोग आते हैं हर जमाने में और फिर चले भी जाते हैं, उनको लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं जिनके काम की वजह से हम लोग ये इंडस्ट्री चल रही है, लोग सीख रहे हैं, वो हमेशा रहते हैं, उनका काम हमेशा रहता है। सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। अल्लाह के वास्ते मुस्कुरा दो मेरे जाने से। नहीं सर, बिल्कुल, बस जब बात हो रही थी ना तो मेरा एक वो बबल अटैक हो जाता है उसके अंदर। हाँ तो सर थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज अ ग्रेट 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 शो सर, विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सर। एक छोटा सा हम गुस्ताखी करना चाहेंगे, वो ये कि हमारे एक सेगमेंट है जिसका नाम है मूव ऑफ द डे। मजेदार होता कुछ, एक बीट बजेगी उस पे आप कुछ भी बैठे बैठे बेसिक सा कुछ कर दीजिए तो हम आपको फॉलो कर लेंगे और फिर वो लोग हमें बना बना के वीडियोस भेजेंगे। जरा बजाई भी बजाइएगा जरा कुछ भी सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आपके बहुत से चाहने वाले ये शो देखेंगे। अगर आपका कोई मैसेज है तो दैट कैमरा इज योर्स। कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहें। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कीप डूइंग इट विद ऑल योर सिंसियरिटी। थैंक यू सर। आदि भाई आपका कोई मैसेज? मैं बस आज छोटी सी एक बात करना चाहूंगा कि छोटी सी करना प्लीज, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स है ना, इंसान के बच्चे बने 50-50, 100-100 रुपए का मास्क बेच रहे हैं गेट पे, तो अच्छा इंसान बने मास्क। थैंक यू जी, दिस वाज मजेदार शो। अगर आपके पास कोई टैलेंट है जो कि यहाँ पे आप आके परफॉर्म करना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज द मजेदार शो पे हमें इनबॉक्स कीजिए और हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको यहाँ बुलाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा और आप अगले वीक भी ट्यून इन करेंगे। थैंक यू सो मच, यू आर वॉचिंग द मजेदार शो। मजेदार।